Hello students, welcome to another lecture of environment. And here in this lecture I am going to explain you about the chapter number 6, and this is part 1 of chapter number 6, and name of the chapter is Animals, Habitat and Adaptation. So first is introduction. Students, different types of animals live in different places. For example, fish live in water, elephant lives in forest, camel lives in desert, and polar bear lives in polar region. It means what different types of, you see at the picture right here. यहाँ पे जो pictures दिया गया है उसमें आप देखिए fish जो है वो क्या होते हैं, वो पानी में रहते, they used to live in water, right? And at the same time, and in the same way, different types of animal used to live in forest, and there are some animals which can live in desert also, which is a very hot place, जो बहुत atmosphere जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, वैसे जगहों में कुछ animals रहते हैं, and कुछ animals ऐसे जगहों पे भी रहते हैं जो और जहाँ का temperature जो है वो बहुत cold, बहुत ठंडा हो, ऐसे जगहों में भी कुछ animals जो है वो रहते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है, different types of animals, अलग अलग animals जो है वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, ठीक है. एंड इस चैप्टर में आप लोग उसी एनिमल्स का जो हैबिटेट है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक इज हैबिटेट. ओके, सो व्हाट इज हैबिटेट, an area where a particular animal naturally live is called its habitat. मतलब ऐसे जगह जहाँ पे एक animals, ठीक है, एक particular animals, मतलब कोई भी एक animals जो है वो naturally, मतलब अपने आप जहाँ पे रहते हो, मतलब हम लोग जैसे कि इंसान पकड़ के घर पे भी we used to pet this wild animal also, right? Wild animal जो है वो हम लोग पकड़ के भी घर पे भी पालते हैं, पर इसे हैबिटेट नहीं कहते. हैबिटेट उसे कहते हैं जहाँ पे वो एनिमल जो है वो अपने आप रहते हो, ठीक है, उसे हैबिटेट कहते हैं. जैसे कि फिश जो है, हम लोग फिश को पकड़ के घर पे भी पाल सकते हैं, पर घर पे जो उसका जो और हम लोग उसके लिए जो घर बनाते हैं उसे हैबिटेट नहीं कहते, बल्कि जो वाटर बॉडीज है उसे हैबिटेट कहते हैं, ठीक है. तो हैबिटेट मतलब क्या है, जहाँ पे कोई भी एनिमल्स, ठीक है, पार्टिकुलर एनिमल्स, ये एलिफेंट भी हो सकते हैं या तो फिश भी हो सकते हैं, कैमल भी हो सकते हैं, कोई भी एनिमल्स, ठीक है, वो एनिमल जहाँ पे नेचुरली रह रहे हो तो उसे हैबिटेट कहते हैं, ठीक है. एंड एनिमल्स हैबिटेट प्रोवाइड इट विद योर वाटर, फूड एंड शेल्टर. और एनिमल्स हैबिटेट में एनिमल्स को क्या क्या मिलते हैं, वहाँ पे हवा मिलते हैं, पानी, खाना और उसके लिए घर होते हैं वहाँ पे, ठीक है. और ऐसे जगहों में ही एनिमल्स जो है वो रहते हैं, जैसे कि फिश को जो जो चाहिए होते हैं वो सभी जो है वो वाटर के अंदर में होते हैं. ठीक वैसे ही जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनको फॉरेस्ट में जो भी चाहिए होते हैं वो मिल जाता है, उनको खाना वहाँ पे मिल जाता है, पानी वहाँ पे मिल जाता है, रहने के लिए जगह मिल जाते हैं. तो ऐसे जगहों में एनिमल जो है वो रहते हैं, ठीक है. द होम ऑफ एन एनिमल इज फाउंड विद इन इट्स हैबिटेट. और किसी भी एनिमल्स का जो घर जो है वो उसके हैबिटेट के अंदर में ही होते हैं, जहाँ पे वो बसते हैं उसी जगह पे ही होते हैं. जैसे कि A lion's home is the den. Lion का जो घर है वो den होते हैं, ठीक है. और den जो है वो कहाँ होते हैं, forest में होते हैं. तो forest जो है वो उसका habitat है, ठीक है. There are different types of habitats on the earth. इस earth में, ठीक है, ये पूरी जो globe है इसके ये अंदर बहुत सारे अलग अलग habitat होते हैं, जैसे कि forest, desert, polar region and mountain, oceans एंड फ्रेश वाटर. ये जो है वो अलग अलग एक हैबिटेट का नाम है. फॉरेस्ट में भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जो फॉरेस्ट में रहते हो, जंगलों में. फिर उसके बाद डेजर्ट में भी एक एनिमल्स रहते हैं. फिर उसके बाद पोलर रीजन में भी एनिमल्स रहते हैं. एंड इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल्स पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज अबाउट द फॉरेस्ट. ओके, अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया दैट इज कवर्ड विद
ट्रीज एंड प्लांट्स. फॉरेस्ट जो है वो क्या है, बहुत बड़े ऐसे जगह जहाँ पे ट्रीज एंड प्लांट्स भरा हुआ होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देखिए इस तरह से, ठीक है, ट्रीज एंड प्लांट्स से भरा हुआ होते हैं. एंड वहाँ यहाँ पे पानी भी अवेलेबल होते हैं. फिर उसके बाद हवा तो ऑब्वियसली ये होगा ही, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स है, राइट. तो वो एनिमल्स को जो भी चाहिए यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है. देन फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स. एंड फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स को अपना शेल्टर, घर मिल जाता है, जैसे कि लायन, टाइगर, बियर, बैज जो है वो कहाँ पे रहते हैं, कैप्स में रहते हैं, जो जंगलों में होते हैं, ठीक है. देन मैनी फॉरेस्ट लिव ऑन ट्रीज. और बहुत सारी जो एनिमल्स जो है वो पैरों में रहते, जैसे कि यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो पैर में, ठीक है, ट्रीज में रहते हैं, जैसे कि मंकी एंड बर्ड्स, ठीक है. ये सब यहाँ पे बर्ड्स को भी दिखाया गया, मंकी को भी दिखाया गया है. तो ये सब एनिमल्स जो है वो ट्रीज में रहते हैं, ठीक है, उनके घर जो है वो ट्रीज होते हैं, ठीक है. सेवरल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. और ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो फॉरेस्ट फ्लोर, ये जो जमीन है, ठीक है, जमीन के ऊपर जो घास होते हैं उसके ऊपर रहते हैं, उनके घर वहीं पे होते हैं. एंड कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो ये जो मिट्टी है, ठीक है, उसके अंदर बोरो बना के, होल बना के भी अपना घर बनाता है. तो इस तरह फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनके घर जो है वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं. कोई कैप में रहते हैं, कोई ट्रीज में, कोई फ्लोर में, फॉरेस्ट फ्लोर में रहते हैं, कोई मिट्टी के अंदर बोरोस बना के रहते हैं, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज अबाउट द डेजर्ट. डेजर्ट और मतलब क्या, यहाँ पे इमेज जो दिखाया गया है सैंडी वाला एरिया जहाँ पे बहुत गर्मी होते है, वैसे जगहों को डेजर्ट कहते हैं, ठीक है. डेजर्ट इसे ड्राई, वो सूखा होते हैं, वहाँ पे पानी जो है वो बहुत कम होते हैं, ऑफन सैंडी रीजन. और वहाँ पे क्या होता है, इस तरह सैंड से भरा हुआ होते हैं, डेट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. और वहाँ पे साल में, ठीक है, बहुत कम बारिश होते हैं, बहुत कम, कम मतलब बहुत ज़्यादा कम बारिश होते हैं, ठीक है. इट इज़ यूजली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट. और वहाँ पे क्या होते हैं, दिन का टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं, फिर उसके बाद जैसे रात होते हैं वहाँ पे ठंड जो है वो बढ़ने लगते हैं, और ठंड रात का टाइम में ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे गर्मी का टाइम में रात को भी गर्मी रहता है, फिर उसके बाद ठंड का टाइम में रात को और दिन को भी इतनी गर्मी नहीं होती, पर वहाँ पे वैसे नहीं है. दिन को बहुत गर्मी होते हैं, फिर उसके बाद रात को बहुत ठंड होते हैं, ठीक है. एंड वाटर इज हार्ड टू फाइंड इन डेजर्ट. और वहाँ पानी जो है वहाँ पे ढूंढ के ही मिलता है, बहुत कम पानी होते हैं वहाँ पे, ठीक है, बहुत दूर दूर तक जाके ही वहाँ पे पानी जो है वो मिलता है. और वहाँ पे किस तरह का एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पे कैमल्स रहते हैं, फिर उसके बाद रिटल स्नैक्स रहते हैं, फिर उसके बाद ग्राउंड स्क्वायरल रहते हैं. इस तरह का एनिमल्स जो है वो डेजर्ट में रहते हैं. इनके अलावा भी है बाकी, पर यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, ओके. देन पोलर रीजन. पोलर रीजन किसे कहते हैं, जो एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक रीजन है उसे पोलर रीजन कहते हैं, ठीक है. हमारी ये जो आर्ट है उसका ऊपर का हिस्सा एंड नीचे का जो पार्ट है, ठीक है, उसे पोलर रीजन कहते हैं, जहाँ का एटमोसफेयर जो है वो माइनस डिग्री में, मतलब बहुत ठंडा रहता है, और वहाँ पे क्या होते हैं, बर्फ गिरते हैं, ठीक है. एंड हाई माउंटेन आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड कवर विद स्नो. सिर्फ एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक रीजन में नहीं, बल्कि जो हाई माउंटेन, जो हाइट वाला माउंटेन जो होते हैं, जैसे कि हिमालय, ठीक है, ऐसे माउंटेन, हाइट वाला जो माउंटेन है वहाँ पे बर्फ गिरते हैं, एंड वहाँ का एटमोसफेयर जो है वो बहुत ठंडा होते हैं, ठीक है. देन ऐसी जगहों में किस तरह का एनिमल्स रहते हैं, पोलर बियर जो है वो, पोलर बियर, सील्स, देन वेलरस, ये सब जो एनिमल जो है वो पोलर रीजन में पाया जाता है. दे यूज टू लिव इन पोलर रीजन. वेयर एज फिर उसके बाद माउंटेन में किस तरह का एनिमल्स रहते हैं, ये यॉक एंड माउंटेन गॉड, इस तरह का एनिमल्स जो है वो रहते हैं,
ठीक है. तो दिस इज अबाउट द पोलर रीजन एंड माउंटेन. एंड नेक्स्ट इज अबाउट द ओशन. ओशन जो है वो वाटर बॉडीज का सबसे बड़ा जो बॉडी है उसे ओशन कहते हैं. ठीक है. द ओशन इज अ लार्ज एंड कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर. लार्ज एंड कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. ठीक है. ओशन जो है वो बहुत बड़ा कंटिन्यूअस, मतलब जितने भी आप जाओ वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, ऐसे ये पानी का एक बॉडी बॉडी होते हैं, जहाँ का आप पानी जो है वो सॉल्टी होते हैं, नमक वाला होते हैं. ठीक है. एंड आर्ट का जो सरफेस है, आर्ट में जितनी जो जगह है उसमें से अगर हम लोग आर्ट को 3 भागों में, इफ़ यू डिवाइड द आर्ट इनटू 3 पार्ट, देन 2 पार्ट ऑफ द आर्ट इज कवर बाय दिस ओशन. ठीक है. ये ओशन जो है वो कवर करते हैं, मतलब ये आर्ट में जो है वो पानी ज़्यादा होते हैं. ठीक है. देन इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट. और जितनी जो हैबिटेट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि फॉरेस्ट, फिर डेजर्ट, देन उसके बाद पोलर रीजन एंड हाई माउंटेन, फिर उसके बाद ओशन या फ्रेश वाटर, ये सभी में से ओशन जो है वो सबसे बड़ी हैबिटेट है, सबसे बड़ी ऐसे जगह है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं. ठीक है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड द साउदर्न ओशन. और इस ओशन को, ठीक है, 5 ओशनों में डिवाइड किया गया है. एंड ये जो है वो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन जो है वो अलग ओशन का नाम है. ठीक है. ए लार्ज वैरायटी ऑफ फिश आर फाउंड इन द ओशन. एंड ओशन में बहुत सारे अलग अलग किस्म का फिश जो है, मछली जो है वो पाया जाता है, एक दो नहीं, बहुत सारे. ठीक है. लार्ज वैरायटी ऑफ फिश आर फाउंड इन द ओशन. देन वेल्स, टॉर्टल्स, ऑक्टोपस, जेलीफिश भी वहाँ पे पाया जाता है. वेल मतलब ये इमेज में जो दिखाया, टॉर्टोइल्स, फिर ऑक्टोपस, जेलीफिश, ये सब जो है वो ओशन में पाया जाता है. देन लार्ज हैबिटेट इज फ्रेश वाटर. ओके. फ्रेश वाटर जो है वो ओशन का पानी की तरह सॉल्टी नहीं होते. ठीक है. तो कहाँ का पानी को हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं? द वाटर ऑफ रिवर, लेक and ponds are known as fresh water. Okay, ये सब को फ्रेश वाटर बॉडीज कहते हैं, रिवर, लेक, पॉन्ड्स. ठीक है. आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स. सम एनिमल्स कैन लिव ओनली इन वाटर. और कुछ एनिमल्स जो है वो सिर्फ पानी के अंदर रह सकते हैं. अगर उसको बाहर निकाल के अगर काफ़ी देर तक रखे या फिर बाबा से अगर पानी में ना डाले तो वो मर जाएंगे. दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड. ठीक है. वो लोग, वो कुछ एनिमल्स जो है वो लैंड पे जिंदा नहीं रह सकते, जैसे कि फिश एंड स्ट्रीम्स. यहाँ पे दिखाया गया है स्ट्रीम्स का इमेज. तो इस तरह का जो एनिमल्स है वो सिर्फ पानी में सर्वाइव होते हैं. ठीक है. दे कैन लिव ओनली इन वाटर. बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों जगहों में, पानी और जमीन पे, ठीक है, विच कैन लिव ऑन लैंड इन एंड इन वाटर. ठीक है. दोनों जगहों पे रह सकते हैं, जैसे कि एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, सलामेंडर, रेप्टाइल जैसे कि एलिगेटर. ठीक है. ये सब एनिमल जो है वो पानी के अंदर में भी रह सकते हैं, फिर उसके बाद पानी के बाहर भी ये रह सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द हैबिटेट. यहाँ पे हम लोगों ने हैबिटेट के बारे में कंप्लीट कर लिया. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या 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 हैबिटेट पढ़ा है? फॉरेस्ट, डेजर्ट, देन उसके बाद पोलर रीजन एंड माउंटेन, फिर उसके बाद ओशन एंड लास्ट वन इज फ्रेश वाटर. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज द अडॉप्टेशन. तो अडॉप्टेशन मीन्स व्हाट? चेंजेस इन द फीचर्स और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट आर कॉल्ड अडॉप्टेशन. यू सी, डिफरेंट एनिमल्स और हैविंग डिफरेंट फीचर्स. अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स जो है वो स्विम कर सकते हैं, दे कैन ब्रीद इन वाटर ऑल्सो, दे यूज टू ईट दोज थिंग्स विच इज अवेलेबल इन वाटर.
जो पानी के अंदर मिलते हैं वही खाते हैं, पानी में स्विम कर सकते हैं, पानी के अंदर ब्रीडिंग कर सकते हैं। एंड कुछ एनिमल जो है जो स्विम नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं रह सकते या पानी के अंदर में जो चीजें है उसे नहीं खाते हैं। तो सभी एनिमल्स का जो फीचर जो है वो अलग अलग होते हैं। यार ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? एनिमल्स, ठीक है, जिससे, ठीक है, ये जो चेंजेस इन द फीचर्स है इससे क्या होते हैं, कोई भी एनिमल्स जो है वो और एक हैबिटेट में सर्वाइव होने में, ठीक है, जिंदा रहने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एडप्टेशन मतलब क्या है? एनिमल्स में जो अलग अलग फीचर्स होते हैं, कोई ये जो है वो फ्लाई कर सकते हैं, कोई वर्क कर सकते हैं, कोई जंप कर सकते हैं, राइट, कोई स्विमिंग करते हैं कोई एनिमल्स, तो ये जो अलग अलग उनके अंदर जो फीचर्स होते हैं जिससे एक हैबिटेट में सर्वाइव होने में हेल्प करते हैं उसे एडप्टेशन कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडप्टेशन, और सभी एनिमल्स का एडप्टेशन जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ जो है वो फॉरेस्ट में जो ग्रास होते हैं उसे खा के रहते हैं, कुछ एनिमल जो है वो ऐसे उनकी बॉडी बनाया हुआ है जो ठंड एरिया में सर्वाइव हो सकते हैं, राइट। तो अलग अलग एडप्टेशंस होते हैं सभी एनिमल्स का, ठीक है। इट मे बी इन द बॉडी कवरिंग, और ये एडप्टेशन जो है वो किस तरह से अलग होते हैं, उनके बॉडी कवरिंग के हिसाब से, फिर उसके बाद ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग, उनके अंदर में जो ब्रीड करने के लिए सांस लेने के लिए जो ऑर्गन होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं, फिर उसके बाद their way of movement, वो जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उससे डिफरेंट होते हैं, फिर उसके बाद उनकी ईटिंग हैबिट, वो क्या खाते हैं, कोई एनिमल्स जो है वो ग्रास खाते हैं, कोई एनिमल्स जो है वो फ्लैश खाते हैं, कोई दोनों खाते हैं, तो इस हिसाब से उसका एडप्टेशन जो है वो अलग अलग होते हैं। तो इसके बारे में, ठीक है, बॉडी कवरिंग, ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग, वेस ऑफ मूवमेंट एंड ईटिंग हैबिट के बारे में अभी हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से उनके एडप्टेशन जो है वो अलग अलग होते हैं। तो एन एनिमल्स बॉडी कवरिंग हेल्प इट टू लिव इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट, एनिमल्स का जो और बॉडी कवरिंग जो है उसको एक हैबिटेट में, एक जगह पे लिव करने में, ठीक है, मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिखा है, इमेजेस में बर्ड्स का जो कवरिंग जो है वो किस तरह से होते हैं, फेदर से कवर होते हैं, जिससे क्या होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसका जो बॉडी जो है वो गर्म रहता है, ठीक है। देन उसके बाद ठीक वैसे ही बियर का भी, द बॉडी कवरिंग ऑफ बियर इस वन इट इज कवर विथ फार्स, ठीक है, उसकी बॉडी में जो है वो लंबे लंबे बाल होते हैं जिससे क्या होते हैं वो उसका बॉडी जो है वो गर्म रहते हैं। ठीक वैसे ही क्रोकोडाइल का जो बॉडी कवरिंग जो है वो किस तरह होते हैं, स्केल से कवर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं उससे कवर होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बीटल्स का बॉडी कवरिंग भी क्या होते हैं, बहुत बाहर का जो कवर जो है वो बहुत हार्ड होते हैं जिसको क्यूटिकल्स कहते हैं, ठीक है, एंड ये क्यूटिकल्स जो है वो अंदर का जो सॉफ्ट वाला जो बॉडी है उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही फिश का जो बॉडी कवरिंग जो है वो भी स्केल से कवर किया होते हैं, फिर टर्टल्स एंड स्नेल का बॉडी जो है वो सेल्स से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, एंड इससे क्या होता है, ये सेल्स जो बाहर का आउटर कवर जो हार्ड वाला जो सेल है वो उसका सॉफ्ट वाला जो बॉडी पोर्शन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वील स्टडी अबाउट द स्केल्स, ये बॉडी कवरिंग में सबसे पहले हम लोग स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्केल्स किससे कहते हैं, यू सी यहाँ पे इमेज में देखिए, ये जो फिश का जो स्किन है यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स दिखाया गया है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे स्केल्स कहते हैं। ठीक वैसे ही स्नैक्स का जो स्किन है वो भी इस तरह से ही होते हैं, फिर क्रोकोडाइल का अभी इस तरह से ही स्केल से ही कवर किया होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, फिश आर कवर विद ए लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल, मतलब एक के ऊपर एक, ये देखिए एक के ऊपर एक जो
लेयर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। एंड फिश जब स्विम करते हैं तो ये हिल सकते हैं, ठीक है, इट्स फ्लेक्सिबल। द बॉडी ऑफ रेप्टाइल सच एज स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लेजर्ड आर कवर विद स्केल्स। ठीक वैसे ही स्नेक, क्रोकोडाइल, लेजर्ड, इनकी बॉडी भी स्केल से ही कवर होते हैं। देन मोस्ट रेप्टाइल्स हैव हॉर्नी स्केल दैट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज। हॉर्नी मतलब हार्ड वाले स्केल से कवर होते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल का जो स्किन है उसे देखिए, उसका जो स्केल जो है वो बहुत हार्ड वाले होते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके बॉडी से, ठीक है, उनके बॉडी से पानी जो है वो निकलने से ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। देन स्टैग ऑल्सो सीड द स्किन पेरिडिकली विच इज रिप्लेस बाय अ न्यू वन। सीडिंग ऑफ स्किन टू एक्वायर अ न्यू वन इज कॉल्ड मोल्टिंग। और स्नेक जो है वो क्या होते हैं, बाकी एनिमल्स से थोड़ा अलग होते हैं, वो पेरिडिकली ये 2 or 3 months में क्या होते हैं, वो अपना स्किन जो है वो चेंज करते हैं, फिर उसके बाद नया स्किन जो है वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मोल्टिंग, इसे मोल्टिंग कहते हैं। सीडिंग ऑफ स्किन ऑफ स्नेक इज नोन एज मोल्टिंग। सो दिस इज अबाउट द स्केल्स। तो पहला बॉडी कवरिंग जो है एनिमल्स का उसे स्केल्स कहते हैं, जैसे कि फिश का, स्नेक का, क्रोकोडाइल का, लेजर का, इस तरह का जो स्किन है उसे स्केल्स कहते हैं। देन नेक्स्ट इज अबाउट द सेल्स। सेल्स जो है जैसे कि टॉर्टॉइस, स्नेल, उनकी जो बॉडी कवरिंग है उसे सेल्स कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स जैसे स्नेल्स, टॉर्टॉइस एंड टॉर्टॉइल्स आर प्रोटेक्टेड बाय ए सेल्स। व्हेन दिस एनिमल्स सेंस डेंजर दे विथड्रॉ देयर हेड एंड फीट इनटू द सेल। और जब उनको डेंजर फील होते हैं तब क्या होते हैं, ये जो स्नेल है, ठीक है, ये अपना हेड और ये जो लेग का जो पोर्शन है उसे सेल्स के अंदर में वो विड्रॉ कर ले, खींच लेते हैं, फिर वो खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक वैसे ही टॉर्टोइस भी जब चलते हैं तब उसका जो हेड और लेग जो है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, सेल्स से बाहर निकलते हैं। पर जब वो किसी भी डेंजर और जो महसूस जब होते हैं तब वो अपना सर और लेग जो है वो अंदर ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज अबाउट द वूल और फार। वूल और फार, वूल और फार किसे कहते हैं, जो शिप का जो बॉडी कवरिंग है या बियर का जो बॉडी कवरिंग है, दे आर नोन एज वूल एंड फार, ठीक है। ममल्स मतलब दोस एनिमल विच गिव बर्थ टू ए बेबी, जो अंडे नहीं देते बल्कि बेबी बर्थ करते हैं उसे ममल्स कहते हैं, ठीक है। सच एज शीप एंड बियर हैव स्पेशल बॉडी कवरिंग, उनकी बॉडी कवरिंग जो है वो स्पेशल होते हैं। तो किस तरह का स्पेशल होते हैं, शीप्स बॉडी इज कवर विद वूल, शीप्स का जो बॉडी है वो और वूल से पूरा कवर क्या होते हैं, फिर उसके बाद बियर का जो बॉडी जो है वो फार से कवर होते हैं। एंड इससे क्या होते हैं, इन्हें बरसात का टाइम में या ठंड का मौसम में, ठीक है, विंटर का टाइम में या बरसात का टाइम में उन्हें प्रोटेक्शन मिलते हैं, उसका बॉडी जो है वो गर्म रहता है इससे, ठीक है। एंड लास्ट बॉडी कवरिंग इज फीडर्स। तो यहाँ पे देखिए बर्ड्स का जो बॉडी कवरिंग जो है वो फीडर से कवर होते हैं, ठीक है। बर्ड्स हैव फीडर्स एज अ बॉडी कवरिंग, विंग्स कवर विद फीडर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। उसका जो विंग जो है वो फीडर से कवर होते हैं जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये जो उसका बॉडी पूरी फेडर से जो कवर जो होते हैं इससे क्या होता है, बरसात का टाइम में फिर ठंड का टाइम में इसे गर्म रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बॉडी कवरिंग। फिर इसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, कैमियोप्लेक के बारे में। कैमियोप्लेक जो है वो ऐसे एक एनिमल्स है जो क्या कर सकते हैं, द बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल मैच द सराउंडिंग। कुछ एनिमल जो है वो उनके सराउंडिंग के हिसाब से अपना बॉडी जो है, बॉडी का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैमियोप्लेक। और ये जो सराउंडिंग के हिसाब से जो अपना
बॉडी का कलर जो चेंज कर सकते हैं उसे कैमोफ्लेज कहते हैं। उनमें से यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है कैमेलियन का, ठीक है। कैमेलियन जो है वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना बॉडी का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंड ये जो चेंज करने का जो मैकेनिज्म है उनके पास जो पावर होते हैं उसे कैमोफ्लेज कहते हैं, ठीक है। इट मेक्स द एनिमल हार्ड टू स्पॉट एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज। और इससे क्या होते हैं वो जहाँ पे जिस कलर में वो रहते हैं उस हिसाब से वो चेंज कर ले, जिससे क्या होता है हम लोग उसे देख नहीं पाते और वो अपने एनिमीज से खुद को बचा के रख सकते हैं, ठीक है। खुद को बचा सकते हैं क्योंकि जहाँ पे वो रह रही है उसके साथ अगर उसके कलर जो है वो सेम हो जाते तो फिर दिखाई नहीं देंगे और वो एनिमीज से बच जाते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल कैमेलियन कैन इवन चेंज द बॉडी कलर टू मैच द सराउंडिंग। और इस तरह का एनिमल जैसे कि कैमेलियन जो है वो क्या कर सकते हैं, वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो चेंज करने का जो मैकेनिज्म है इसे कैमोफ्लेज कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, वी लर्न अबाउट द हैबिटेट एंड हैबिटेट के अंदर में फॉरेस्ट, डेजर्ट, फॉलर रीजन, माउंटेन, ओशन एंड फ्रेश वाटर, इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ा है। फिर उसके बाद एडप्टेशंस के अंदर में हम लोगों ने अभी सिर्फ बॉडी कवरिंग तक ही पढ़ा एंड बाकी जो है वो मैं पार्ट टू में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।